आज चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन है। ये दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि नव दुर्गा का सातवां स्वरूप है। माँ कालरात्रि भक्तों का हमेशा कल्याण करती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। नवरात्रि के सातवें दिन माँ झंडेवाला के दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ी है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में मंदिर में भक्त सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर में आके, बड़ा उत्साह है। माता रानी के दर्शन करने में साल साल से आ रहा हूँ। जो मैंने मांगा यहाँ मिला। झंडेवाला की बहुत मेरी कृपा, बहुत कृपा रही है झंडेवाला माता की। मतलब आशीर्वाद है, मैं आता रहा हूँ। माता बुलाते चार साल से माता के दर्शन करने आ रहा हूँ। माता ने मेरे को बहुत सुख प्यार दान दिया है। माता रानी के मैं सदा आभारी रहूंगा। जय माता दी। मैं हर नवरात्रों में झंडे वाले मंदिर जरूर आता हूँ, चाहे वो चैत्र नवरात्रे हो, चाहे वो बाद में जो नवरात्रे आते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, सॉरी। मैं जो भी नवरात्रे हो, मैं हर बार आता हूँ। और मैं बचपन से ही, जब से मतलब पैदा हुआ हूँ, तब से मम्मी पापा के साथ आता था। अब वो शाम को आते हैं, मैं सुबह 4:30 वाली आरती जरूर कवर करता हूँ। और बस सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। यहाँ भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। माँ झंडेवाला मंदिर की बात करें तो ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध व देवी शक्ति का प्रतीक है। मंदिर में पूरे साल भक्त माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। मान्यता है कि झंडे वाली माँ के दर्शन से लोगों की हर मुराद पूरी हो जाती है। मंदिर का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। आज भी अपनी मान्यता के लिए ये मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है।